मैं एक गृह प्रवेश की पूजा में गया था और वहां पंडित जी पूजा करा रहे थे। पंडित जी ने सबको हवन में शामिल होने के लिए बुलाया और सबके सामने हवन सामग्री रख दी गई। पंडित जी मंत्र पढ़ते और कहते स्वाहा। लोग चुटकियों से हवन सामग्री लेकर अग्नि में डाल देते। घर के मालिक को स्वा कहते ही अग्नि में घी डालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हर व्यक्ति थोड़ी सामग्री डालता इस आशंका में कि कहीं हवन खत्म होने से पहले ही सामग्री खत्म न हो जाए। गृह मालिक भी बूंद बूंद करके घी डाल रहे थे। उनके मन में भी यही डर था कि कहीं घी खत्म ना हो जाए। मंत्रोच्चार चलता रहा, स्वाहा होता रहा और पूजा पूरी हो गई। सबके पास बहुत सी हवन सामग्री बची रह गई। घी तो आधा से भी कम इस्तेमाल हुआ था। हवन पूरा होने के बाद पंडित जी ने कहा कि आप लोगों के पास जितनी सामग्री बची है उसे अग्नि में डाल दें। गृह स्वामी से भी उन्होंने कहा कि आप इस घी को भी कुंड में डाल दें। एक साथ बहुत सी हवन सामग्री अग्नि में डाल दी गई। सारा घी भी अग्नि के हवाले कर दिया गया। पूरा घर धुएं से भर गया। वहां बैठना मुश्किल हो गया। एक एक करके सभी कमरे से बाहर निकल गए। अब जब तक सब कुछ जल नहीं जाता कमरे में जाना संभव नहीं था। काफी देर तक इंतजार करना पड़ा सब कुछ स्वाहा होने के इंतजार में। दोस्तों, मेरी कहानी यहीं रुक जाती है। उस पूजा में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि जितनी हवन सामग्री उसके पास है उसे हवन कुंड में ही डालना है, पर सभी ने उसे बचाए रखा कि आखिर में सामग्री काम आएगी या खत्म ना हो जाए। दोस्तों, ऐसा ही हम सब लोग करते हैं। यही हमारी फितरत है। हम अंत के लिए बहुत कुछ बचाए रखते हैं, जो अंत में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस रुपया पैसा फलाना ढिकाना ये जो इस रूप के भीतर में सब यहीं पड़ा रह जाता है। जिंदगी की पूजा खत्म हो जाती है और हवन सामग्री बची रह जाती है। हम बचाने में इतने खो जाते हैं कि ये भी हम भूल जाते हैं कि सब कुछ होना हवन कुंड के हवाले ही तो है। उसे बचाकर क्या करना, बाद में तो सिर्फ धुआं ही होना है। संसार हवन कुंड है दोस्तों, और जीवन पूजा। एक दिन सब कुछ हवन कुंड में समाहित होना है। अच्छी पूजा वही है जिसमें हवन सामग्री का सही अनुपात में इस्तेमाल हो, न सामग्री खत्म हो न बची रह जाए। यही मैनेजमेंट करना है। कबीर जी का एक दोहा शायद सबको पता है, दुर्लभ मानस जन्म है होए न बारंबार, पक्का फल जो गिर पड़ा लगे न दूजी बार। दोस्तों, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, तो क्यों ना हम समय का, पैसों का, अपनी सोच का और अच्छे कार्य करके इसका सही सदुपयोग और इस्तेमाल करें। राधे राधे।